हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो गूगल सीट है इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। जो गूगल सीट आप देख रहे हैं, इस गूगल सीट में क्या है ना, गूगल सीट में इसमें एक डिटेल स्ट्रेटेजी बिल्डअप हुआ है जिसके साथ हमें जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो सिंपल मूविंग कंपेरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें हमें सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और उसमें हमें डे रेंज और जो पोजिशनल बेसिस में हमें रेंज स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है। तो देखिए, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट को अच्छी तरह से देखें, जो गूगल सीट का जो सीट है इसको देखिए। इसमें हमने जो 500 स्टॉक है इसमें लगाया है, 500 स्टॉक इसमें हमने लगा दिया है। वेरी सिंपल, आपको गूगल फाइनेंस में आपको क्लिक कीजिए, वहां पर आपको डिटेल्स फॉर्मूला मिल जाएगा गूगल फाइनेंस में। तो गूगल फाइनेंस से आप फॉर्मूला जनरेट कीजिए, फॉर्मूला वहां से उठाइए और गूगल शीट में आप ट्राई कीजिए। गूगल शीट में आप ट्राई करने से आपको लाइव LTP, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये लाइव आपको अपडेट होने वाले आपको मिल जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं 20 मिनट्स आपको दिखाई दे रहा है डिले, हो सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम भी नहीं लगता है कि गूगल सीट, ये थोड़ा सा टाइम आपको अपडेट होने के लिए लगता है लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसमें आपको क्या करना है ना, सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है क्या मुझे चाहिए, यानी आपको जैसे मैक्सिमम मिनिमम प्राइस आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डे बेसिस का रेंज आप निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते, क्या क्या निकाल सकते हैं LTP, ओपन, हाई, लो, क्लोज से, यानी प्रीवियस क्लोज, आज का लो, हाई, ओपन, LTP। ये जो चार पॉइंट आपको, चार पांच पॉइंट आपको मिला है, इस पांच वैल्यूएशन के साथ आपको क्या क्या निकालना है। वॉल्यूम भी आपको मिल जाएगा, इंडेक्स को छोड़कर हर किसी स्टॉक का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, आपको सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन आता है तो ये भी आपको मिल जाएगा, आपको 14 सिंपल मूविंग एवरेज आपको निकालना है ये भी आपको आ जाएगा, आपको पिवट रेंज कैलकुलेशन आता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं पिवट लाइन का, ओपन हाई लो क्लोज के साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पिवट लाइन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, सिग्नल जनरेट करना है। सिग्नल जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सिग्नल जनरेट एक बाय एंड सेल के लिए आप लगाएंगे तो आपको EMI के साथ सिंपल मूविंग एवरेज 14 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाया, 5 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 5 सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आप लगा सकते हैं। तो उसमें हमें कंडीशन जो लगाना है तो आपकी अपने तरीके का कंडीशन इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्या मुझे कंडीशन लगाना चाहिए, क्या मुझे, आपको पता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज फास्टर देन सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वेरी फास्ट चलता है, सिंपल मूविंग एवरेज से वेरी फास्ट चलता है। तो इसको लेकर हमें जब वो इंटरप्रिटेशन करना है, जो कैलकुलेशन करना है, तो आपको कैसे करना है ना, सिंपल देखना है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब फास्ट चलता है तो जब भी आपको देखना कि सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चल रहा है, इसका मतलब है उसका स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ है उसमें। जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चलता है तो आपको मान लेना चाहिए ना, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, यानी आपका लो स्ट्रेंथ के साथ ये है, तो आप उसको लेकर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप 5-10 लगा सकते हैं, आप जो भी कुछ आपके लिए 50-200 लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है ये कंडीशन के लगाकर आप इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। ये पीवट लाइन के नीचे रहा तो आपको सेल मिलेगा, पीवट लाइन के ऊपर है तो बाय है, इसमें बोलिंजर बैंड भी लगा सकते हैं, RSI भी लगा सकते हैं, जो आपको कंडीशन है इसमें लगा सकते हैं। लगाने के बाद हमने फॉर्मूला जनरेट किया, तो जो इसमें एक खास बात क्या है जो गूगल शीट में, इसमें आप क्या करेंगे ना, बाय एंड सेल आपको जनरेट इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सेल में जाइए तो सेल में जो स्टॉक आज सेल के लिए है ये डिटेल्स आपको सामने में आ जाएगा, ये सारे के सारे स्टॉक आपको सेल था, यानी आप देख सकते हैं इसमें जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 10 डेज से एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ये चल रहा है, परसेंटेज वॉल्यूम कितना चल रहा है, और सारे के सारे आपको सेल में जो ओपन इक्वल टू हाई हो जाएगा, ओपन इक्वल टू हाई हो जाएगा, उसमें ट्रू वैल्यूएशन सेल का आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, इसका मतलब है हाई रेट फॉर इसमें आपको सेलिंग देखने के लिए मिल रहा था। तो आपको देखिए इसमें 3% आपको सेलिंग कार्बोरुवे निवेल
ये एक स्टॉक है, ये 3% गिरा है, ये देखिए 0.81% गिरा है एयू बैंक। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ट्रू जनरेट हुआ है 1.97%, ये सारे के सारे नेगेटिव आएगा, ये सारे के सारे देखिए ये नेगेटिव आपको आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज जो आपको माइनस हुआ है, देखिए अफला कोला ये -2.12 आपको माइनस आया है, ये सारे के सारे सेल आपको आ जाएगा, यानी उसमें आपको सेपरेट कर देगा, ये आपको सेल आ जाएगा और इसमें आपको सिर्फ बाय आएगा। तो जो स्टॉक में बाइंग जनरेट होगा इसमें आपको कंप्लीटली बाइंग आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना चाहिए ना, जिसमें आपको बाइंग आ जाएगा बाइक आ जाएगा, जिसमें सेलिंग है सेलिंग। देखिए 5% इसमें आपको एक अपसाइड में मूवमेंट देखने के लिए मिला, एंजल वन में 5% देखने के लिए मिला। उसके साथ आप देखिए 3.902 आया है, ये मिला आपको अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो इसमें क्या है ना, जो स्टॉक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, जो स्टॉक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना चाहिए ना, ये सब आपको क्रिएट करना है तो आपको पता चलेगा। देखिए सेल का 74 माइनस था और बाय 122, तो आपको पता चलता है कंप्लीटली 500 में कितने भारी है, पॉजिटिव है और कितने नेगेटिव है। तो ये गूगल शीट का जो कैलकुलेशन है इसमें आप बनाएंगे तो आप सेपरेट कर दीजिए सेल एंड बाय को, एक्सेल में सेल एक्सेल में बाय आप रखिए, और उसमें शीट वन में आपको इसमें जो भी कंडीशन देना चाहते हैं, आपका माइंड में जो चल रहा है कि बोलेंजर बैंड के साथ मैं देखना चाहता हूँ, क्या मुझे RSI के साथ देखना चाहता हूँ, क्या मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज के साथ में देखना चाहता हूँ, क्या मुझे पीवट के साथ देखना चाहिए, तो आप कंडीशन निकालिए अपने तरीके से, कंडीशन लगाइए, कंडीशन बिल्डअप कीजिए। यहाँ से आप जितना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उतना सही तरीके से आपका जो डाटा आप जनरेट करेंगे वो डाटा आपका सेल के सीट में सेल आ जाएगा, बाय का सीट में बाय आ जाएगा, वही कंडीशन के साथ। तो आपको एक स्कैनर आपके सामने में रह जाएगा, जिस स्कैनर के साथ आप किसी स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये था डिटेल्स एनालिसिस आज के गूगल शीट में, आपको कैसे एक ओवरव्यू आइडिया जो कि आपको जो स्टॉक सेल के लिए है वो सेल, बाय के लिए तो बाय, अपने तरीके से जो कंडीशन लगाना है, तो आपको जो अच्छा लगता है ये कंडीशन के साथ मुझे जाना है तो आप उस कंडीशन को लगाओ, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कंडीशन अच्छा है, यानी कंडीशन अपने तरीके से, यानी मैं जो कंडीशन चाहता हूँ वही कंडीशन के साथ क्या इंप्लीमेंटेशन आ सकता है, बाय आ सकता है या सेल आ सकता है। जो मुझे स्ट्रेटेजी अच्छा लगता है, जो स्ट्रेटेजी को मुझे फॉलो करना है, वही स्ट्रेटेजी बिल्डअप करो और उस स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन बिल्डअप कर लगा दो, तो आपका स्कैनर फिट हो जाएगा। आपका माइंड में होना चाहिए कौन सा कंडीशन होगा तो मुझे देखना चाहिए, उस कंडीशन के साथ मुझे चलना चाहिए, मुझे मूविंग एवरेज के साथ चलना चाहिए या मुझे RSI के साथ चलना चाहिए, क्या मुझे बोलिंजर बैंड के साथ चलना चाहिए, क्या मुझे MACD के साथ चलना चाहिए। जो कंडीशन आपके माइंड में चल रहा है वो कंडीशन के साथ आप लगाइए और स्कैनर उसके साथ आप फिट कीजिए, वही जो सेटअप आप करेंगे उस सेटअप के साथ आपका जो स्टॉक है वो सेपरेट हो जाएगा, जो बाइंग आएगा बाइंग सेलिंग आएगा सेलिंग, तो आपको सेपरेट आ जाएगा, तो उसमें आप तो अपने तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये था डिटेल्स एक आइडिया जहां पर आपको गूगल शीट को प्रिपरेशन करेंगे, कंडीशन देंगे और उसमें स्टॉक का जो मूवमेंट जो लेवल इस सारे के सारे आपको डाटा निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला कहाँ पर मिलेगा ना, फॉर्मूला मिलने के लिए ये लेवल को आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से आप गूगल कीजिए, गूगल में आप इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको गूगल फाइनेंस लगाइए, गूगल फाइनेंस फाइनेंस फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, तो आ गया गूगल फाइनेंस, ये गूगल फाइनेंस फॉर्मूला इसमें क्लिक कीजिए। देखिए ये सारे फॉर्मूला गूगल फाइनेंस का यहाँ पर आए, आप कैसे प्राइस देखेंगे, प्राइस ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम मार्केट कैपिटल कैसे देखेंगे, सारे सारे डाटा आपको मिल जाएगा और इस डाटा को आपको कॉपी पेस्ट कीजिए और ये जो गूगल शीट है उसको आपको बनाइए, देखिए ये आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो में।